वेलकम टू माय चैनल PS मोबाइल वर्ल्ड। दोस्तों यह है ओप्पो का F23S प्रो मॉडल। इसमें एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट है। आपको इसका FRP बाईपास करके बताऊंगा। आप किसी भी ओप्पो Realme के एंड्रॉयड 13 में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके रीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ये लीगल इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ाना है। उसके बाद आपको आपके वाईफाई से कनेक्ट करना है, ठीक है। और आपके मोबाइल में सिम लगी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको आई बटन पर क्लिक करना है, तो आपको वाईफाई की उस पर दिखेगा। उसके बाद शेयर पे क्लिक करके नियर बाय पे क्लिक करना है। उसके बाद नीड हेल्प पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, शेयर आर्टिकल पे क्लिक करना है। उसके बाद मैसेज टाइप करना है आपको 1234 पे न्यू मैसेज में जाके, ठीक है। यहाँ से आपको 1234 पर भी क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर www.youtube.com टाइप करना है। मैं कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा वेट लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रोफाइल के उस पर जाना है, आइकन पर सेटिंग पे जाना है। उसके बाद नीचे अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करके यूट्यूब टर्म्स एंड सर्विस पे जाना है। उसके बाद क्रोम को ओपन करके वहाँ पर आपको एक वेबसाइट पे जाना है, FRP फाइल बाईपास। इसके बाद आपको फर्स्ट जो वेबसाइट मिलेगी उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ से सेटिंग को ओपन करना है। ओपन सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ आप उस पर एंड्रॉयड कौन सा है, ठीक है। तो आपको अबाउट डिवाइस पे लिखा देता हूँ मैं। तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देख लीजिए आप एंड्रॉयड 13S में। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको स्क्रीन होम स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन होम स्क्रीन लेआउट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको किसी भी दूसरे एंड्रॉयड मोबाइल में आपको ओप्पो क्लोन ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करना है आपको। जब तक मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आपका जो मोबाइल है उसके अंदर आपको ओप्पो क्लोन ऐप को ओपन करना है, ठीक है। तो ये उसके बाद आपको इसके अंदर ओल्ड डिवाइस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अदर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, ओपन करना है आपके इस दूसरे वाले मोबाइल में ओपन ओप्पो क्लोन ऐप को, ठीक है। सेटिंग में जाके आपको इसको परमिशन दे देनी है आपको, ठीक है। इसको अलाउ अलाउ करना है आपको सारा टर्म्स कंडीशन जो भी है। तो ले लेता हूँ मैं, ओके करना है। यहाँ से आपको टर्न ऑन पे क्लिक करके वाईफाई चालू कर लेना है, ठीक है। सेटिंग में जाके आपको फिर आपको ओके 3-4 बार ये परमिशन मांगेगा आपको, तो आपको दे देनी है, ठीक है। टाइम चल रहा है मेरा, थोड़ा वेट लेना है आपको, 10 सेकंड का वेट मांग रहा है। आप किसी भी ओप्पो रियलमी के एंड्रॉयड 13 में इसको अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रिक को, ठीक है। बैक जाना है आपको, उसके बाद अलाउ क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है आपके इस ओल्ड मोबाइल से, इसकी जो आपका दूसरा मोबाइल है उससे करना है आपको, ठीक है। तो आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको थोड़ा वेट लेना है, उसके बाद आपके दोनों मोबाइल कनेक्ट हो जाएंगे। ओके करना है आपको। उसके बाद आपको जो टिक लिखे हुए आएंगे उसको आपको अनटिक कर देना है, ठीक है, सारों को। अब आपको किसी भी एक एप्लीकेशन को इसके अंदर सेंड करना है, ठीक है। तो मैं कोई भी एप्लीकेशन आपको इसमें सेंड करके बताता हूँ, कोई भी आप सेंड कर सकते हैं छोटी से छोटी फाइल, ठीक है। ओके करना है, सेंड करना है आपको। ये सेंड होती है आपके जो दूसरा डिवाइस उसमें, डन कर देना आपको। इसमें थोड़ा सा ये इंस्टॉल होने में वक्त लेगा, तो मैं दिखाता हूँ। अभी इस मोबाइल का आपका काम खत्म हो चुका है आपको, उसके बाद आपको डन कर देना है, ठीक है। इसमें फाइल ट्रांसफ़र हो चुकी है। उसके बाद बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्किप कर देना है, यहाँ पर डन कर देना है। उसके बाद आपका फ़ोन FRP बाईपास हो जाएगा। यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, तो आपका फ़ोन FRP बाईपास हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।